हमें तुम्हें पकड़ लिया, तुम हमें देख रहे थे ना, सोच रहे थे हम के कि अबू को हम फोन करेंगे, हाँ, और उनसे कहेंगे कि वो ड्राइवर को भेजे और हमें यहां से बाहर निकालने का बंदोबस्त करे। पर कादिर साहब को ही फोन करके देख लो। हाँ हाँ सही कह रही हो, ये हमारा नेटवर्क। नेटवर्क नहीं है हमारे फोन में भी, बारिश बहुत तेज हो रही है इसलिए कादिर साहब शायद ट्रैफिक में फंस गए, इंतजार ही कर सकते हैं और क्या। नहीं नहीं अरे भाई ऑफिस है, कोई तो होगा। अरे भाई साहब कोई, या अल्लाह कबीर क्या कर रहे हो तुम, ये चीखने से क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर सब्र कर लो, इंतजार कर लो, और ये जब यहाँ से निकल जाओ ना वहां जाके वर्जिश करना। हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। वर्जिश, हम वर्जिश करें। हाँ हम वर्जिश करें। और एक बात तुमसे पूछे, तुम्हें खलल क्यों हो रही है? अरे तुम पढ़ाई कर रही हो, कल तुम्हारा कोई इम्तिहान है, टाइम पास कर रही हो तुम। टाइम पास नहीं कर रहे, आर्टिकल पढ़ रहे हैं। अच्छा आर्टिकल पढ़ रही हो, कौन सा आर्टिकल पढ़ रही हो? इंटरव्यू के लिए। इसमें हंसने की क्या बात है? इसका मतलब है कि तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ रहा है, तुम हमारे साथ। हमें शौक नहीं है तुम्हारे साथ इस कमरे में बंद होने का, हमने ये आर्टिकल पहले ही सेव किया था इसलिए उसे पढ़ रहे हैं। वैसे एक बार हम पढ़ लें, तुम चाहो तो तुम भी पढ़ सकते हो। हमें माफ कीजिए ज़ारा साहिबा, हम अच्छे से जानते हैं कि इंटरव्यू में क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, कैसे सवाल होते, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। ओहो हो 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 ओहो, हमें भी तो बताओ तुम कैसे लेते हो इंटरव्यू, बताओ क्या पूछा जाता है। चलो वक्त है हमारे पास, तो आप इंटरव्यू पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक काम करो, मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ। माशाल्लाह हर क्लास में अव्वल आते थे, आप चाहें तो ये सर्टिफिकेट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हें देखकर हमें लगता है कि तुमने कभी काम नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारे पास। क्या आपने ऐसा किया क्या है जो हम आपको इस कंपनी में ले सकते हैं? असल में कभी सर, कबीर हम सर सड़ू, असल में हुआ यूं कि हमने शरिया बोर्ड में काम किया, हम आपको सच कहें तो हमने पढ़ाई की और उसके बाद हमारी जबरदस्ती शादी करवा दी गई, उसके बाद हमने जॉब की कोशिश की। जिंदगी की एक खासियत बताया आपको ज़ारा साहिबा, अगर कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती से की जाती है ना, टिकती नहीं है। और जब टूट जाती है
हमें सहारे की जरूरत नहीं। असल में इस एनजीओ की कादर साहब के, वसीम साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज हम आप लोगों के सामने यानी कि इन्वेस्टर्स के सामने जो कुछ भी तकरीर देंगे उससे आप लोग ये तय करेंगे कि आप लोगों को इस एनजीओ में पैसे की मदद करनी है या नहीं करनी है। हम आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे, वसीम साहब का ये जो प्रोजेक्ट है, ये पहला प्रोजेक्ट जबकि स्टडी करने के बाद आप सब एनजीओ की मदद करने के लिए बेकरार हो जाएंगे। आप लोगों को पता चल जाएगा कि वसीम साहब के कंधों पर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है और ये बात भी पता चल जाएगी कि बेशक वसीम साहब एक दरिया दिल इंसान है। आप सबको वसीम साहब के नेक और कौम के लिए हमदर्द होने की दलील इस बात से मिल जाएगी कि बिलासा नाम का एक गांव है और वहां वसीम साहब गरीब और मिस्कीन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहते हैं, वो भी अपने खुद के पैसों से। ताकि कौम के उन बच्चों को तालीम मिले और वो सारे बच्चे कौम का नाम रोशन करें, है ना अच्छी बात? तालियां वसीम साहब के लिए तालियां। ये सारा साहिबा क्या बोल रही है, मैंने पर्ची में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हूँ। आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हाजरीन, असल में जारा एक चीज बोलना भूल गई कि जारा ने एक बहुत बड़ी बात आपको नहीं बताई। बिलासा गांव में गरीबी का आलम असल में इतना बुरा है, लोग को अपना घर चलाने के लिए जो पैसों की जरूरत होती है वो नहीं जमा कर पा रहे। अब आप ही सोचिए, एक गांव जहां पर घर का खर्चा नहीं निकल रहा है वहां पर बच्चों को तालीम देने के लिए जो पैसों की जरूरत होती है वो ये गरीब माँ बाप कहां से जमा करेंगे, बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए हमारे कौम के हमदर्द वसीम मियां और इस शानदार एनजीओ के ओनर हादिर मियां, इन दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि वो उन बच्चों को ना सिर्फ यूनिफॉर्म्स का इंतजाम करके देंगे बल्कि उनके लिए अपने पैसों से किताबों, खाने और हर चीज का इंतजाम करके देंगे। तालियां। माशाल्लाह। बताना चाहेंगे हम आप सबको, बिलासा गांव में एक बात बहुत मशहूर है, वहां कहते हैं कि बच्चे रहते तो जरूर हैं, लेकिन बचपना नहीं। असल में बात यह है कि जिस उम्र में बच्चे आपस में खेलते हैं, खिलौने से खेलते हैं, वहां बच्चे मजदूरी करने लग जाते हैं, अपने माँ बाप की मदद करने लग जाते हैं, इसलिए वह स्कूल नहीं जा पाते, तालीम हासिल नहीं कर पाते। इसलिए वसीम साहब ने यह भी कहा है कि वो बच्चे जो तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में आएंगे ये उनकी फैमिली का भी इंतजाम करेंगे। माशाल्लाह। कभी सब दीजिए ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इतना सब मन दिल में मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा तो पूरा। अरे आपका अगला प्रोजेक्ट का आइडिया तो हम बताना भूल ही गए। बेफिक्र रहिए। और सारे हाजरीन, आप सब शायद हमारे कादर मियां को जानते हैं, वो बड़े सखी किस्म के इंसान है, मगर हमारे वसीम मियां कुछ कम नहीं। जो बच्चे हैं जो इनके स्कूल में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, उन बच्चों को ना सिर्फ यूनिफॉर्म, किताबें या खाना वगैरह का इंतजाम करके दिया जाएगा, उनको हर महीने एक रकम दी जाएगी, वो भी वसीम मियां के जाती फंड से।
ये फिलहाल सिर्फ एक आइडिया है, तो अभी तक वो रकम तय नहीं की गई है। वसीम आप सबको बताएंगे कि क्या सोच रहे हैं आप, 500 रुपए 1000 रुपए हर महीने इन बच्चों के लिए? अजी वसीम साहब, 500 से क्या होगा भाई, मैं तो कहता हूँ 1000-1500 कर दो, अल्लाह आपको और देगा, बच्चों की दुआएं मिलेगी क्या भाई? बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा। अम्मा अब्बा कहीं नजर नहीं आ रहे? तुम्हारे अब्बा को हमने ATM से पैसे निकालने के बारे थोड़ी टहलकदमी करने भेजा। अरे आजकल कितना तालाब होना खाने लगे, इसी बहाने ना सेहत भी ठीक रहेगी। और अब्बा आपकी बात मान गए? आसानी से नहीं मानते वो हमारी बात, धक्के दे के बाहर किया घर से तब गए हैं। अरे आज सुबह का अखबार तक नहीं पढ़ने दिया हमने उनको। हम एक काम करते हैं, अभी चले जाते हैं, अब्बा पे नजर रखेंगे कि वो वॉक कर रहे हैं या फिर कुछ खा रहे हैं कहीं बैठ। हाँ जाके आओ, जा है ना। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कबीर यहाँ क्या कर रहा है? डॉक्टर के पास चलो हमारे साथ। छोटी सी चोट है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कबीर, ये छोटी मोटी चोट नहीं है कबीर, बहुत खून बह रहा है, चलो हमारे साथ चलो। देखिए जख्म बहुत गहरा है, इसे ठीक होने में वक्त तो लगेगा ही। पहले इन्हें कुछ खिलाइए, उसके बाद ये दवाई दे देना। शुक्रिया कबीर। लो जल्दी से सैंडविच खा लो, उसके बाद डॉक्टर ने कहा है। हाँ ये वाली दवाई पहले, ये उसके बाद खानी है, और फिर ये 15 मिनट बाद खानी है। हाँ सुनो सुनो, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो। कबीर अभी इससे पहले तुम पूछो कि हमने घर पे बताया या नहीं बताया, हमने घर पे एक तला कर दिया, हमने कहा है मैं आने में वक्त लग जाएगा, अब तुम वक्त मत लगाओ, ये खाओ चलो। हम करते हैं, हम करते हैं, रुको तुम रहने दो। नहीं हम कर सकते हैं, तुम कभी We'll be right back.
वैसे कबीर, अब्बा की वजह से तुमने इतना खून बहाया, इतनी चोट लगी तुम्हें। अगर तुम हमारी जगह होती और तुम्हारे अब्बू की जगह हमारे अब्बू होते ना, तो मैं यकीन है कि तुम भी वही करती, है ना? बचाती कि नहीं? नहीं तो बस कोई बड़ी बात नहीं। तुमने अपनी जिंदगी से मैं दूर किया था ना, कभी हमारा दिल जख्मी करते हो तो कभी कभी अब्बा के लिए अपना खुद का हाथ जख्मी कर लेते हो। क्या खेल तमाशा लगा रखा है, क्यों कर रहे हो ये सब? जो हम कर रहे हैं ना, इंसानियत के तौर पर कर रहे हैं। ये तस्वीर नहीं है सोहेल मियां, ये सवालों का पिटारा है। हमें इस हादसे की एक एक मिनट की डिटेल चाहिए। ये वसीम अंसारी है कौन? तारा और कबीर उसके ऑफिस में करने क्या गए थे? ये तस्वीर किसने खींची, और तस्वीर खींची तो अखबार में छपवाई किसने? हमें इस हादसे की एक एक मिनट की खबर चाहिए। नहीं, बार बार आप इस फोटो को क्यों देख रही हैं? जैसा उस तस्वीर में नजर आ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा है कबीर? नहीं, तुम गौर से देखो इस फोटो को। कोई कह सकता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है? तुम दोनों अलग हो चुके, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। रुखसती वाले दिन जिस जमाने के सामने तुमने जारा को रुसवा किया था, वही जमाना आगे पूछेगा कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इस बच्ची की इज्जत पर पत्थर फेंके जाएंगे कभी। और तुम कह रहे हो कुछ है ही नहीं। अगर हमारे खुद के वालिदैन इतने गमगीन हो गए इस तस्वीर को देखकर, तो जारा का क्या हाल हुआ होगा? मतलब हम तो सह लेंगे ये सब। कबीर, इधर देखो, तुमने काजी साहब और सलमा आपा के बारे में सोचा है? हमें तो बस इतना समझ में आ रहा है कबीर कि तुम्हारा जारा के साथ खुला लेना, ये बात गलत है, या फिर ये फोटो वाली बात गलत है। अब दोनों बातें एक साथ दुरुस्त तो नहीं हो सकती ना, इसलिए जो बात गलत है उसे समझो और अपनी शर्मिंदगी जाहिर कर, और काजी साहब और सलमा बहन से माफी मांगो बेटा। हमारे अस्पत में और कितने बार होंगे काजी साहब? मन तो कर रहा है ना कि उस कबीर अहमद का ना गिरेबान पकड़ के हम उसे पूछें कि आखिर हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पे क्यों तुले हुए हैं वो। लीजिए, आ गया आलिम दीन का फोन, सुनिए क्या फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमें क्यों याद किया? देखिए काजी साहब, हम जानते हैं इस वक्त आप हमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, और जायज है, बिल्कुल जायज है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इसमें हमारा या जारा का कोई भी कसूर नहीं है काजी साहब। हमारा यकीन कीजिए, असल में हम जारा से मिलने भी नहीं वाले थे, वो तो इत्तेफाक से हमें इंटरव्यू की जगह वो मिल गई। आप चाहे जो भी हमें कहना चाहते आप हमसे कह सकते हैं, जितना भी डांटना चाहते, लेकिन जारा से नाराज ना हो, क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती है ही नहीं। असल में ये प्रेस वाले हैं जो पता नहीं क्यों जारा के पाक दामन को मैला करना चाहते हैं, और आप देख रहे जो खबरें वो लिख रहे हैं। हमें अपनी बेटी जारा के पाक और नेक होने की जमानत आपसे नहीं लेनी है कबीर मियां। और हाँ, हम जारा से नाराज भी क्यों हों, उस पे सवाल उठा के हम उससे जवाब क्यों लें? जवाबदेही तो आपकी बनती है कबीर मियां, क्योंकि आपने फैसला लिया है जारा से दूर होने का, और हमारी बेटी जारा ने ये फैसला बखूबी कबूल कर लिया है। तो आप ये अपनी जिम्मेदारी निभाइए ना, आप जारा के करीब क्यों आते हैं? दूर हो जाइए उससे।
काजी साहब आप बिल्कुल सही हो, हमें ही कोशिश करके जारा से बात नहीं करनी होगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये गलती दोबारा ना हो, मगर आप खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए। हेलो, क्या कर रही हो? संभाल कर इधर आओ। जानती हो ना तुम, पैर तुम्हारे लड़खड़ाते और हमारे दिल को संभालना पड़ता है। बैठो आराम से बैठो। अब बता ऐसा क्यों हुआ? वो आंखें थोड़ी नम थी तो फिर क्या? तो फिर गमों ने आंसू भरकर हमारी पलकों से निकलकर खुदकुशी कर ली। बेवकूफ है वो आंसू, तुम्हारी आंखों में पसने के बाद वो बाहर निकलने की जुर्रत कर रहे। खुश रहा करो ना। कैसे रहे? तुम तो हमसे दूर हो गए हो ना, ऐसे में से मातम मनाया खुश रहे। खुश रहो। नहीं होता। होता है और होगा भी। बोलो कैसे? कैसे? आंखें बंद करो। और जब भी खुले हो तो ऐसी आंखें खोलो, हम तुम्हारे सामने होंगे हमेशा हमेशा। तुम सिर्फ तुम्हें देखते रहेंगे। ओ बंद गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंद गए एक ही, तुम्हारी तनाई को हम आबाद तो कर सकते हैं। हो न पाया किसी का किसी, जब चाहे तब तुम्हें याद तो कर सकते हैं। की बड़ी दरमिया दूरिया बड़ी दरमिया, पास रह कर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान ला, हम तो मर गए। क्या हुआ? ऊपर जान की शेल्फ पे किताब ढूंढते ढूंढते हमारा जनाजा निकल गया, पर वो किताब नहीं मिली। अरे कौन सी किताब? अरे वही किताब जिसमें फूफा जान का तुमसे वादा लेना गलत लिखा हो। ऐसी कौन सी किताब है अजरा, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे भाई होती है ना, क्यों नहीं होती है? अरे अल्लाह ने हर बात के बारे में तुम्हारे लिए कोई ना कोई किताब का इंतजाम किया है, और वैसे भी तुम हर मसले पर किताब और इस्लाम का हवाला देकर फूफा जान को मना लेती हो, तो जरूर इस वादे वाले मसले के लिए भी कोई ना कोई किताब जरूर होगी। अरे तुम जल्दी से वो उस किताब का नाम बता दो, हम यूं जाएंगे और यूं लाएंगे। सारू हम सच में नहीं चाहते हैं कि तुम फूफा जान को वो वादा करो और फिर पूरी जिंदगी ऐसे उदास बैठी रहो। तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन इतनी कमजोर है कि एक वादे की वजह से पूरी जिंदगी ये उदासी का खौफ खाए? नहीं अजरा, तुम हमारे लिए कोई हवाला ढूंढना ही चाहती हो ना, तो इस्लाम या खुदा का कोई ऐसे हुक्म का ताल्लुक ढूंढो जिससे हमें हौसला मिले, हिम्मत मिले कि हम अब्बा से वो वादा कर पाए। देखो
अब्बा चाहते हैं कि हम उनसे वादा करें ताकि हम अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आएं, हम असलियत को पहचानें और खुश रहें। अब्बा से वो मुश्किल वादा करना मुश्किल तो है, लेकिन हम किसी ना किसी नतीजे तक जरूर पहुंच जाएंगे। अल्लाह खैर करे जारू, मैथ समझना फिर भी आसान था पर तुम्हारी बातें सर पे से जाती हैं। ऐसी हस्ती ना करो ना। चलो मैडम हम चले, हमें जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। फिर से एनजीओ में इंटरव्यू? नहीं, कभी भी एनजीओ सेक्टर में नौकरी करना चाहता है। अगर हम भी उसी सेक्टर में नौकरी ढूंढेंगे तो हमारे मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए हम कहीं और जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। सीधा सीधा बताओ ना, कहाँ इंटरव्यू देने जा रही हो? एक इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहाँ नया सेक्शन खुला है, इस्लामी ग्रेजुएट टीचर चाहिए, तो वहाँ जा रहे हैं नौकरी के लिए। माशाल्लाह जारू, तुमने तो मास्टर भी किया है ना, हरी चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया हो तुम तो। जारू ये जॉब तुम्हारा ही है जारू सिद्दकू। इंटरव्यू तो देने दो मैडम, फिर तुम्हें नौकरी बोल रहे हम, आज गले लग जाओ।